इतना बड़ा केकड़ा है, डार्क रेड कलर का। देखिए तो देखिए वहाँ पे वो पहाड़ जैसा है। यहाँ पे भारत माता नमन स्थल पूरी नकली शिवलिंग है, क्रोकोडाइल है, बीच में शिवलिंग रखा गया है। दोस्तों यहाँ से भी बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मिलता है नकी झील का। सामने की ओर देखो हमारा होटल है वहाँ पे, और इस तरफ है हमारा फ्लैग। पूरी जगह दिख रही है यहाँ से, और वहाँ पे हम लोग जो एडवेंचर का क्या ना वो वाली जगह थी, और अभी यहाँ से होते हुए हम लोग घूमते घूमते यहाँ से जा रहे हैं आगे भारत माता नमन स्थल। आप भी जब माउंट आबू आओ ना तो यहाँ की मतलब नकी झील के प्रदर्शना जरूर करना, पूरा नकी झील जरूर घूमना, आपको बहुत ही मज़ा आएगा नकी झील घूमने में। और उस तरफ है ना वहाँ पे हनीमून पॉइंट है, हनीमून पॉइंट। लेकिन अब अभी हम लोग जाने नहीं वाले हनीमून पॉइंट, अभी हम लोग सब नकी झील ना उसकी प्रदक्षिणा करने वाले हैं। तो आ चुके हैं बाहर, यहाँ से निकल चुके हैं। पीछे की ओर हनीमून पॉइंट है, वहाँ से आप अपनी गाड़ी लेके यहाँ से जा सकते हो, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम है, उसी टाइम पे अपनी गाड़ी लेके जाना। ओके, उसी टाइम पे कार लेके जाना वहाँ पे अलाउ है, वरना अलाउ नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं यहाँ से हनीमून पॉइंट की तरफ जा रहा था तो मैं एक कार लेके जा नहीं पाया था। ओके, देखिए यहाँ से भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है हमारा फ्लैग। चलिए एक और नई जगह पे आए हैं, एक छोटा सा पॉइंट, मतलब ए पॉइंट मैंने कवर किया हुआ है, स्पेशल बनाया हुआ है, आई लव माउंट आबू करके ये वाला पॉइंट है। तो पहले भी मैं यहाँ पे आया था, अगेन वापस मैं आया हूँ। बहुत ही मस्त जगह है ये वाली। आओ अपने फैमिली के साथ बैठो यहाँ पे, कपल में आओ, अपने फ्रेंड्स के साथ आओ और बैठो यहाँ पे, आराम करो छाव के अंदर, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। चलिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आई लव माउंट आबू लिखा है यहाँ पे, तो काफ़ी सारे टूरिस्ट लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं मेरे यहाँ पे पीछे। देखे आप, आई लव माउंट आबू, वी ऑल्सो लव माउंट आबू। यहाँ पे 10 रुपये की 15 गोटियाँ ली है गौ की। बहुत सारी मछलियाँ ऊपर आ रही है खाने के लिए, गौ की गोटियाँ। कितनी सारी मछलियाँ देखो। दोस्तों देखिए कितना बड़ा केकड़ा है, डार्क रेड कलर का। देखिए ये रहा, कितना बड़ा केकड़ा है, देखो बाप रे। दिखा दिखा नहीं दी? हाँ देखा, ये का तो बाप रे। ये केकड़ा ऐसे चलता है, मुझे पता है केकड़ा कैसे चलता है। ये पानी के केकड़ा, शायद वो भी गौ की गोटियां खा रहा है। ये खाता है गौ। वहां से बंदर की आवाज आ रही है उस तरफ से, बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे वो मंकी। टोर रॉक पे बहुत सारे टूरिस्ट हैं वहाँ पे, टोर रॉक पे। अभी मैं आपको जूम करके बताता हूँ, देखा। और उस तरफ है माउंट आबू का पूरा मार्केट। दोस्तों जब हम लोग वहाँ पे वो गए थे ना नेचर वॉक करने के लिए, ऊपर के वो पहाड़ जैसे चढ़े थे ना, तब हमारे साथ दो और लोग भी चढ़े थे। तो अभी वो लोग दिखाई दे रहे हैं, वो लोग कहाँ पे चढ़े थे, तो देखिए वहाँ पे वो पहाड़ जैसा है ना, उसके ऊपर वो दोनों खड़े हैं वहाँ पे। इधर जूम करके बताना, ये देखिए दोस्तों हमारे पीछे एक और नई जगह यहाँ पे बनाई गई है। ऊँट है, बड़े 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 हवेली है, उसके पीछे एक वो पता नहीं, वो उसको देखा हुआ है लेकिन नाम याद, वो वाला जोधपुर में है शायद, हवा महल बोलते हैं ना वो वाला, और वहाँ पे भी एक है। तो चलिए इस पॉइंट के अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बनाया गया है। लिखा है वहाँ पे वंडर पार्क, उसका नाम है वंडर पार्क। ओके, तो वंडर पार्क वहाँ पे है, देखिए सारा सा वहाँ पे मेंशन किया हुआ है यहाँ पे क्या क्या है।
अभी द वंडर पार्क लिखा है, सब कुछ लिखा है, आप उसको पूछ करके पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। तो चले दोस्तों ऊपर चलते हैं, मेरे बच्चे को भी ऊपर जाना है, तो हम लोग ऊपर जाके और नज़दीक से देखेंगे उसको। यहाँ से उसका रास्ता है, पता नहीं इसका मतलब गेट क्यों नहीं बनाया गया। सब लोग यहाँ से जा रहे हैं तो हम लोग भी यहाँ से जा रहे हैं, रास्ता भी बहुत ही अच्छा बनाया गया है। यहाँ पे टाइगर है, ऊपर वो वाला किला, ये महल और ये कैमल और ये पूरा महल यहाँ पे बहुत ही अच्छा डिजाइनिंग किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ से आप जाओ हनीमून पॉइंट की तरफ, तो एक बार ये वाला जरूर विजिट करना है, इसका नाम है वंडर पार्क। ओके, सबसे ऊपर जाने का रास्ता यहाँ से है। वाओ क्या बना गया है भाई सही में। तो मेरे को तो ये वाला पॉइंट बहुत ही अच्छा लगा, तो अगर आप यहाँ से क्रॉस हो रहे तो वंडर पार्क जरूर विजिट कीजिएगा, यहाँ पे आपको फोटोग्राफी करने में बहुत ही मज़ा आएगा। ये दोस्तों बड़ी सी टैंक यहाँ पे रखी गई है, बहुत ही खूबसूरत टैंक है, ज़बरदस्त। यहाँ से मैं आया और इधर जा रहा था तो बीच में ये टैंक आ गई, तो बहुत ही ज़बरदस्त दिख रही है टैंक। अच्छा सरप्राइज़ मिला यहाँ पे टैंक को दिख के, बहुत ही दमदार दिख रही है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे भारत माता नमन स्थल, पूरी नकी झील की प्रदक्षिणा की और हम लोग पूरे घूम के यहाँ पे आ चुके हैं भारत माता नमन स्थल के पास। मेरे पीछे देखो आप, बहुत ही अच्छा शेड बना गया है, आपको वहाँ पे आराम कर सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग ऊपर चलते हैं और भारत माता नमन स्थल देखते हैं। चलिए उसके सामने है वो वाली होटल, नाव वाली होटल, चलिए आपको दर्शन कराता हूँ भारत माता। वाह चार बड़े बड़े शेर है और पीछे भारत माता है। जो तो निधि तो आना, आप यहाँ से जा रहे हो तो आप जो वहाँ पे जो मार्केट है ना, मतलब मार्केट वहाँ पे जो नकी झील का नज़र आप वहाँ से देखते हो ना, तो वहाँ से ही आपको भारत माता नमन स्थल देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे आना, बहुत ही खूबसूरत जगह यहाँ पे बनाई गई है। तो चलिए अभी एक और बाकी है, एक छोटा सा गार्डन है वो एक बाकी है, वो गार्डन मैं आपको बता देता हूँ। तो ये नकी झील के पास सबसे लास्ट जगह है, मतलब पूरा सर्कल घूम के आए, पूरी प्रदक्षिणा करके आए, तो ये वाला गार्डन सबसे लास्ट में आता है। तो क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल गार्डन ऐसा कुछ बोलते हैं, क्रोकोडाइल फाउंटेन ऐसा कुछ गार्डन को बोलते हैं। तो आप यहाँ पे इस गार्डन जरूर देखने आना, बहुत ही मज़ा आएगा। ये देखिए गार्डन में शिवलिंग है, क्रोकोडाइल है, बीच में शिवलिंग रखा गया है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। है ना, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे क्रोकोडाइल है, स्कल्पचर बोलते हैं या शिल्प कृतियाँ बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। ये देखिए ब्रिज, स्वामी विवेकानंद जी, हाँ स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति है वहाँ पे। और क्या मतलब लोकेशन है यहाँ का, पीछे धूप है, सूर्य है और झाड़ की वजह से बहुत ही अच्छा शेडो क्रिएट हो रहा है। तो ये मेरी तवेरा है, रेडी फॉर द एडवेंचर। और इतनी पतली में से निकल गई गाड़ी दोस्तों, इस वाली जो महिंद्रा थार थी ना, ये देखिए थोड़ा सा और ऊपर हम लोग, देखिए और
और यहाँ से गुरु शिखर था बहुत ही खूबसूरत और जैन टेम्पल में आपको इकड़े हो गए साफ भी हो गए शायद। तो ये रहा, कहा जाता है कि ऊपर महाकाली माता जी। वो अचलगढ़ है और वहाँ पे हमने तवारा पार्क किए वहाँ पे। जींस वाली मिल जाए तो साड़ी वाली को छोड़ दूँ। यस, तो ये देखिए मसाला डोसा आ गया है। ये दाल आई है, दाल बहुत ही मस्त एकदम सब्जी और ये चाट।